हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इतने दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो आप सभी के लिए कोई भी नया वीडियो नहीं लेके आया पाया मैं। लेकिन अब मैं कंटिन्यू आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और नई नई जानकारी के साथ आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेक लव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि फेक लव का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन तीन निशानियों के बारे में बात करेंगे जिससे हम किसी भी व्यक्ति के या अपने पार्टनर के, मान लीजिए आपका पार्टनर भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करता हो, तो हम उसके फेक लव को पहचान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मेन मोटो या मेन इंटेंशन भी यही है कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक लव। जी हाँ दोस्तों, हम उन इस वीडियो में फेक लव के उन निशानियों के बारे में बात करेंगे या उन साइंस के बारे में बात करेंगे जिससे हम फेक लव को आसानी से पहचान सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्यार को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अपन से सच्चा प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप ज़रा भी स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि आपको वीडियो को पूरा देखेंगे जब भी आपको ये बात समझ में आएगी। और वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और आप इसके बाद में किसी भी व्यक्ति के लव को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का प्यार भी आपके लिए सच्चा है या नहीं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पार्टनर का प्यार फेक है या फिर ट्रू है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो फेक लव का साइन है वो है ऑलवेज स्ट्रेंथ आंसरिंग। जी हाँ दोस्तों, हम फेक लव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कभी आपने अपने पार्टनर को पूछा कि क्या आप मुझ पे आपको मुझ पे कितना विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके पार्टनर ने कहा कि नहीं, मुझे तो आप पे कोई विश्वास नहीं है, मैं तो आप पे कोई विश्वास करता ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं आप पे विश्वास करने की, मुझे मुझ पे खुद पे विश्वास है कि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा और मुझे इतना भरोसा है कि आप मुझे कभी छोड़ के भी नहीं जाओगे। तो दोस्तों, वो यह होता है स्ट्रेंथ आंसर। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा जवाब। तो दोस्तों, यदि आपका पार्टनर आपको ऐसा जवाब देता है तो आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है, वो उनका लव फेक नहीं है। और यदि मान लीजिए आपका पार्टनर आपको मक्खन लगाने वाली बातें करता है, आपने पूछा कि आपको मुझ पर कितना विश्वास है, तो आपका पार्टनर बोलता है मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, तुम तो मेरी जान हो, ऐसे हो वैसे हो, तो दोस्तों वैसा लव फेक होता है। तो दोस्तों, चलिए हमारे सेकेंड इंटेंशन के सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नॉट अंडरस्टैंड योर साइलेंस। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या फिर आपका पार्टनर आपके साइलेंस को नहीं समझ पाता है तो आपका प्यार उसके लिए, मतलब आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए फेक है। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। मान लीजिए कभी आपकी तबीयत तबीयत खराब है, तो मतलब ऐसा प्यार सच्चा होता है जो मतलब आपके बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ जाए। मान लीजिए आपकी कभी तबीयत खराब है, आप उनसे कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी साइलेंस से आपकी बात समझ जाए, तो उसका प्यार आपके लिए हमेशा सच्चा रहता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो प्यार फेक है। जी हाँ दोस्तों, वो पार्टनर आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। आपका पार्टनर यदि वो आपके साइलेंस को नहीं समझ पाता है तो आप अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और आप ये देख सकते हैं कि आपके पार्टनर का प्यार सच्चा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारे लास्ट और थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नॉट अलाउड रेस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्यार में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है रेस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं हो सकती, उस रिश्ते में प्यार होने का कतई पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्यार किसी भी हाल में नहीं आ सकता उस रिश्ते में। प्यार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है रेस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका प्यार आपको रेस्पेक्ट नहीं दे सकता तो आपका प्यार, आप समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, सच्चा प्यार नहीं करता, उसका लव फेक है। मतलब मान लीजिए आपका प्यार आपसे तो तड़ाके से बात करता है और अच्छे से बात भी नहीं करता, गाली गलौज देता है, तो उसका प्यार आपके लिए सच्चा नहीं है, वो आपसे फेक लव करता है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो